नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पूर्णिया के रुपौली स्थित मोहनपुर थाना ओपी की पुलिस वाहन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दरअसल मोहनपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुआ था और उस प्राथमिकी में अभियुक्त जो था उसको पूर्णिया कोर्ट ले जाया जा रहा था रिमांड के लिए। इसी दौरान पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस वाहन में आग लग गई। उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये पूरा मामला पूर्णिया के रुपौली स्थित मोहनपुर ओपी थाना का है और ओपी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था। अभियुक्त को रिमांड के लिए पूर्णिया कोर्ट ले जाया जा रहा था और ले जाने के क्रम में ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और इस दुर्घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनकी स्थिति ठीक है, उनको सदर अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर वो इलाजरत हैं। क्या दिखाई दी आपको? गाड़ी उधर से पिकअप मार रहा था, डायरेक्ट गाछी में ठोक दिया है। यही कितना पिकअप रहा होगा जब आ रहा था? गाड़ी तो काफ़ी पिकअप में था, तो 100% था। खुद अनबैलेंस हुआ और गाछ में जाके टकरा। खुद अनबैलेंस। उसके बाद क्या स्थिति हुई? गाड़ी में आग लग गया है, इसमें 5 को था आदमी। आग कब लगी थी कि कुछ देर लगा था? 2 मिनट के बाद लग गया। इंजन से शुरू हुआ, जाते लेकिन हम लोग आए 2 को निकाले तो आग लगने लगा। तब जल्दी जल्दी शीशा जल्दी जल्दी से निकाले, शीशा तोड़े बाद निकाले, तकर बाद आग तो पूरा लग गया है। सबको कैसे सदर हॉस्पिटल भेजा गया? किस गाड़ी? इधर एक वो पुलिस गाड़ी आया, के नगर थाना को फोन किया गया। सब पुलिस जो कि आए के नगर थाना, उसी में तकर बाद एक टेम्पो था, टेम्पो उधर से आ रहा था, उसी को रुका है, तब उस पर भेजा है। गाड़ी को लेकर के मोहनपुर ओपी की गाड़ी आ रही थी, जो के नगर के आसपास अंधेरा कोहरा की वजह से या किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हमारे 5 पुलिसकर्मी पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हीं के इलाज में वही व्यस्त है। गाड़ी में आग भी लग गई। हाँ, तो अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ, तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।